नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में संशोधित मद्य निषेध कानून का दिख रहा है असर। सुशांत सिंह राजपूत की याद में केदारनाथ में बनेगा सेल्फी पॉइंट। बिहार में भीषण आंधी पानी के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। 13 जून को जारी किया जाएगा बीएड प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में संशोधित मद्य निषेध कानून का दिख रहा है असर। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद ना तो लोग इसकी अवैध कारोबारी करने से रुक रहे हैं और ना ही पीने से। हालांकि सरकार इसको लेकर हर संभव ठोस कदम उठाने की कोशिश जरूर कर रही है। हाल ही में मद्य निषेध कानून में संशोधन किया गया था, जिसके बाद लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से राहत मिली है। संशोधित मद्य निषेध कानून के तहत डीएम के स्तर पर जुर्माना लेकर जब्त वाहनों और संपत्ति को छोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से ये कानून लागू होने के बाद 21 मई तक बिहार में जब्त 219 वाहनों को 1.96 करोड़ रुपए जुर्माना लेकर छोड़ा गया है। यही नहीं, न्यूनतम 1 लाख रुपए जुर्माना लेकर बेतिया में शराब के साथ जब्त एक मकान को भी विमुक्त किया गया है। 3 महीने में बनकर तैयार होंगे 37 स्मार्ट पार्किंग। बिहार की राजधानी पटना में लोगों को विशेष सुविधा मिलने जा रही है। अक्सर बड़े शहरों में पार्किंग को लेकर समस्याएं होती है। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार की राजधानी पटना में शीघ्र ही सभी अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त 37 स्मार्ट पार्किंग स्थल की सुविधा मिलेगी। निगम की तरफ से निजी एजेंसी को वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग घर बैठे अपने समय और सुविधा के अनुसार पार्किंग बुकिंग करा सकेंगे। उन्हें एक क्लिक पर शहर भर के पार्किंग स्थलों और खाली जगह की जानकारी भी मिल जाएगी। यहां कैशलेस सुविधा मिलेगी, जो कि अगले 3 महीने में करीब 37 जगहों पर शुरू होने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत की याद में केदारनाथ में बनेगा सेल्फी पॉइंट। बिहार का वो चमकता सितारा जो बॉलीवुड की चकाचौंध में खो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने बॉलीवुड की उस भीड़ में अपने लिए जगह बनाई और खूब नाम कमाया। लेकिन इसके बाद अचानक उनके निधन से पूरा देश शोकाकुल हो गया। सुशांत ने कई हिट फिल्में दी थी, जिनमें से एक केदारनाथ भी था। आपको बता दें कि सुशांत की याद में उत्तराखंड सरकार ने बीते दिन एक सेल्फी पॉइंट बनाने का विचार रखा, जिसका नाम फिल्म केदारनाथ के मुख्य अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि राज्य के पर्यटन विभाग को इस मुद्दे पर योजना बनाने की अनुमति दी गई है। बिहार में भीषण आंधी पानी के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में मौसम का मिजाज भी लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में इन दिनों प्रदेश में कहीं धूप तो कहीं बारिश की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में ये बताया गया है कि अगले 24 घंटे में बिहार में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि बिहार में इस दौरान तेज आंधी के साथ पानी होने की संभावना है। आईएमडी पटना ने खासकर आंधी पानी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ 500 किलोमीटर चौड़ाई लिए एक सिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रदेश में 24 मई यानी कि आज की रात ये बिहार से गुजरने वाला है, जिसके कारण प्रदेश में तेज आंधी के साथ बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। आज होगा क्वालिफायर 1, जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट। अपने डेब्यू सीजन के लीग स्टेज में धूम मचाने के बाद गुजरात टाइटंस फाइनल खेलने के लिए क्वालिफायर 1 में दूसरी बार राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी। यह मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसमें जीतने वाली टीम सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। ये दोनों टीमें अब तक सिर्फ एक बार एक दूसरे से भिड़ी है, जिसमें गुजरात ने राजस्थान को 37 रनों के बड़े अंतर से मात दी थी। अब देखना यह होगा कि आखिर क्वालिफायर मैच में राजस्थान अपनी पिछली हार का बदला लेती है या नहीं। बिहार में सामान्य है कोरोना संक्रमण दर। देश के साथ साथ बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में स्थिरता बनी हुई है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में संक्रमण दर बढ़ी है। राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 42 है। वहीं राज्य में महज 51,951 सैंपल की जांच की गई, जिसके बाद राज्य में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें राजधानी पटना में 2 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं अररिया, दरभंगा, मुंगेर और शेखपुरा में 1-1 मामले सामने आए हैं। वहीं देश भर की बात करें तो आज यानी मंगलवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 1675 नए मामले सामने आए हैं। 13 जून को जारी किया जाएगा बीएड प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड। बीएड प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे बिहार के सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। दरअसल बिहार संयुक्त बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख 28 मई को समाप्त हो जाएगी। वहीं आवेदन में सुधार के लिए 29 मई की तारीख तय की गई है। इसके बाद सभी अभ्यर्थी को उनके प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड 13 जून को मिल जाएगा। आपको बता दें कि 23 जून को निर्धारित समय पर बिहार संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा तय किए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। इस बाबत बिहार नोडल पदाधिकारियों ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिहार तक पहुंची पूजा सिंघल के घोटाले की जांच की आज।
झारखंड की पावरफुल आईएएस पूजा सिंघल के घोटाले की जांच की आंच बिहार तक पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह से रांची से लेकर बिहार तक पूजा सिंघल के सगे संबंधियों के 6 ठिकानों पर छापेमारी चली। झारखंड की आईएएस का कनेक्शन बिहार से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पिता का घर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक ईडी को अब अनिल झा नाम के शख्स की तलाश है। अनिल झा के नेताओं और नौकरशाहों से बेहतर ताल्लुकात है। माना जा रहा है कि पैसे के लेन देन में उनकी भूमिका बेहद ही अहम है। आईएएस अफसरों को मुख्यमंत्री ने पढ़ाया कर्तव्य का पाठ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 बैच के ट्रेनी आईएएस अफसरों को कर्तव्य का पाठ पढ़ाया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन एक अणे मार्ग स्थित संकल्प कक्ष में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2020 बैच के 7 प्रशिक्षु अधिकारियों को शिष्टाचार भेंट करते देखे गए। इस मौके पर उन्होंने इन अधिकारियों से कहा कि आप अच्छा काम करेंगे तो जनता के बीच आपकी काफी इज्जत बढ़ेगी, लोग काफी सम्मान देंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से ट्रेनिंग के दौरान जिले में किए गए कार्यों के अनुभव को भी साझा किया। अगले 20 से 30 वर्षों तक भाजपा का चलेगा राज। देश के सबसे बड़े राजनीतिकार में से एक बिहार के प्रशांत किशोर का मानना है कि भाजपा आगामी 2 दशकों तक देश की राजनीति में प्रभावी बनी रहेगी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस को बिहार से सीखना चाहिए कि राजनीतिक विरोधी को चुनौती कैसे दी जाती है और विपक्ष में कैसे रहा जाता है। दरअसल उनका इशारा बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ था। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान परिदृश्य देखकर लगता है कि अगले 20 से 30 वर्षों तक देश की राजनीति के केंद्र में भाजपा ही रहने वाली है। राजनीति चाहे उनके समर्थन में हो या उनके विरोध में, लेकिन केंद्र में भाजपा ही रहेगी। राज्यसभा की 5 सीटों पर आज से नामांकन हुआ शुरू। बिहार में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भी आज से शुरू हो चुका है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 मई तक है। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी और 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। आपको बताते चले कि 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें बिहार की कुल 5 सीटों पर चुनाव होना है। भारत ब्रिटेन के संबंधों को और बेहतर बनाने को लेकर तेजस्वी यादव ने किया संवाद। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी लंदन दौरे पर है। दरअसल वो आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस जो कि 20 मई को था, हालांकि वो अभी भी लंदन में ही है और लगातार वहां विशेष स्थल पर जाकर लोगों को अलग अलग विषय पर संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच बीते दिन लंदन में तेजस्वी यादव भारतीय मूल के सांसदों, शोधार्थियों, व्यवसायियों, प्रोफेसर, छात्रों और नागरिकों के साथ ब्रिटेन भारत के संबंधों और इसको और बेहतर बनाने पर चर्चा करते देखे गए। तेजस्वी ने इसकी तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है और इसकी जानकारी देशवासियों को दी है। राज्यसभा चुनाव के बीच लालू शरद का गहन मंथन। बिहार की सियासत में आए दिन कोई न कोई कारणों से हलचल मची रहती है। एक तरफ खबर है कि नीतीश कुमार एनडीए से खुश नहीं है, वहीं राजद के साथ दोस्ती वाली अफवाहें भी तेज है। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सभी राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश जारी है। इसके बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से शरद यादव का मिलना राजनीतिक गलियारों में एक और हलचल पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद शरद यादव देर शाम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए दिल्ली में मीसा भारती के आवास पहुंचे। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच शरद यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच घंटों मुलाकात होना चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्री ने कहा मनरेगा से जल संचयन की योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बीते दिन सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों की बैठक में अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मंत्री ने जल जीवन हरियाली और स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण की भी समीक्षा की और काम में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारी और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि श्रवण कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मनरेगा से जल संचयन की योजनाओं, खेल मैदान, विद्यालय की चहरदीवारी, पशु शेड आदि बनाने को प्राथमिकता दिया जाए। जीतन राम मांझी ने कहा राज्यसभा चुनाव में एनडीए 3 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी फिलहाल अजमेर यात्रा पर हैं। इस दौरान वो परिवार सहित तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब तक राज्यसभा के चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का निर्णय हो जाना चाहिए था। फिलहाल 2 भाजपा को, 2 राजद और 1 जदयू को सीटों का बंटवारा हुआ है, जिनमें से 3 सीटों पर एनडीए की जीत का अनुमान है। जैसे में गठबंधन में उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जाने चाहिए थे, अभी तक नाम तय नहीं होने के चलते लगता है कि एनडीए में अंतर्द्वंद जारी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सौरभ कुमार, शैलेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कुलदीप कुमार, मिंटू कुमार, नीलम कुमारी, विमलेश कुमार, जगदीश राम, रवि कुमार राम। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम फाइनल का टिकट लेने में सफल हो पाएगी, गुजरात या फिर राजस्थान? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।